my God. I'm so sorry. Sir, आप यहाँ? वो actually मुझे लगा कि ये परी हैं पीछे से, but hi, I'm Raj. आपकी शक्ल परी से बहुत मिलती है. करण, तुम्हें नहीं लगता इनकी शक्ल परी से बहुत मिलती है? जी सर, मुझे भी ऐसे ही लगता है. एक्चुअली क्या है कि ये परी मैम की डुप्लीकेट प्ले करती हैं और उन्हीं की तरह रहती हैं, इसलिए ये आपको गलतफहमी हो गई होगी. God. करण, दीपिका जैसी नहीं लग रही हमारी फिल्म का कैरेक्टर. अरे उनके उस कैरेक्टर के भी तो दांत बाहर थे ना शुरू में, शुरू वाले सीन्स में. सिमिलर, वेरी सिमिलर. हाँ सर, You're absolutely right. Actually, वो क्या है कि दीपिका के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन यही है. मैंने खुद इन्हें आरके सर से मिलवाया था, तभी तो उन्हें आइडिया आया दांत वाला. Strange man. इधर आओ. क्या हुआ सर? कुछ नहीं, क्या होना है? तो चक्कर काफी दिनों से चल रहा है. हाँ मेरे दोस्त, नॉट बैड, शाबाश. ओके, सो मैं चलता हूँ, आप दोनों प्लीज कैरी ऑन. क्या गुड चॉइस. बाय बाय बाय. बच गया करण. थैंक गॉड तुमने टाइम पे दांत लगा लिए, वरना हाथ तो पकड़े गए थे. वो हमें ढूंढ रहे थे करण. हाँ हाँ, शायद तुम्हें ढूंढ रहे थे. बच गया. अच्छा निकी, वो मैं अच्छा, हम जा रहे हैं. अगर हम रात से नहीं मिले तो वो हम पर शक करेंगे. नहीं, एक मिनट निकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था ना, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था. करण अभी नहीं, अभी हमें जाना होगा. हम आपसे बाद में मिलते हैं. बाय. देखो एक ठीक है, कहाँ हो तुम? करण कह रहे थे कि आप हमें ढूंढ रहे थे. हाँ वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था. कहिए ना. हाँ वो परी, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि कि आजकल मुझे हो क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूं कि जानवी जी इतने हैरान क्यों हो? नहीं, मैं आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो। Really? Well, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं। Anyways, मैंने सोचा था डिनर साथ में करेंगे। But looks like you're busy. नहीं, but thanks so much. मैं आज बाहर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। किसी दिन और चलें? Sure. तो मैं चलती हूँ। Bye. Ouch! जानवी जी, are you okay? Oh my God, I think पैर में मोच आ गई है। अब मैं जाऊंगी कैसे? आज तो मेरा ड्राइवर भी नहीं आया है। Oh, how will I drive? It's okay, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। Yeah, I think that's a good idea. ड्रॉप कर दो। कोई बात नहीं राज, आप जानवी जी को छोड़कर आइए, हम चले जाएंगे। Let's go. निकी 2 घंटा लेट हो तुम। हैरी मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, खवाओगी। मर गया करन। परी आ गई? हेलो मैम, वो एक्चुअली बस आने वाली हैं। घर से निकल चुकी हैं। उन्होंने फोन किया था। एक्चुअली क्या है कि रात से उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। पैर में मोच आ गई है। अब मैं जाऊंगी कैसे? आज तो मेरा ड्राइवर भी नहीं आया है। मुझे देखकर तो तबीयत खराब होनी थी ना। Excuse me? Nothing. मर गया करन, क्या होगा यार? ये कैसी है? निकी। हाँ यार बता ना, ये कैसी है? जी ये, हाँ ये वाली अच्छी है। आप पर बहुत जचेगी, है ना माँ? हाँ, अरे तेरे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है, सारे रंग जचते हैं। यार निकी, ये देखना, बता कैसी है। अच्छा निकी ये बता, बहुत अच्छा रंग है ना माँ, आप पर बहुत जचेगी। अच्छा आंटी निकलती हूँ, और भी बहुत सारे काम है ना। आंटी मैं निकी को साथ में लेके जाऊँ, निकी को कुछ चूड़ियाँ भी दिखानी थी। हाँ हाँ ले जाओ निकी बेटा, जा इसके साथ चली जा। जी माँ, आती हूँ आंटी। ओए निक्की, माना कि तेरे सर पे प्यार मोहब्बत इश्क का भूत सवार है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी शादी की बिल्कुल भी चिंता ना करो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों सोचती हैं? और आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। बताएं, चौल में सबसे अच्छी शादी आपकी जो हो रही है। हाय हाय, किस्मत तो मेरी तब अच्छी होती जब हमारी शादी में राज और परी आते। हेलो, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? अरे जीजा जी, इंतजार तो इन्हें भी बहुत था। हाय, दिल में करार, आंखों में इंतजार। वैसे जीजा जी, एक बात कहूँ आपसे, आपने तो हमारे निक्की को पागल कर दिया है, बस कुछ भी बोलती रहती है। मैंने कहा खैर छोड़ो, ये लीजिए जीजा जी। ये क्या है? ये मेरी शादी का कार्ड। ओह, कांग्रेचुलेशंस। जी शुक्रिया, शादी कर रही हूँ मैं, आप लोगों की तरह कवारी नहीं घूमती। हाँ जीजा जी, हमारे यहाँ के पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त बहुत ही अच्छा और शुभ है, जैसे ही आपको मौका मिलेगा निक्की का हाथ मांग लीजिएगा। हाँ सुनीता, हाँ जा रही हूँ जीजा जी, आइएगा जरूर। जी जरूर आऊंगा। बाय बाय। अरे वो जाह्नवी में माइटी सेट पर क्या? और मैंने बोल दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी रात से, इसलिए तुम आप। आय हाय, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तो ये भूल गई थी इसलिए वापस आया। चलिए पकड़िए और जाइए यहाँ। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, आप लोग लगे रहो। लगे? ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? थोड़ी सी बावरी है। हाँ अजीब सी है। चलिए। हाँ हाँ प्लीज। सोच रहा हूँ कर लूँ। थैंक यू। हो गया मेकअप? हो गया मेकअप? चलो प्लीज बाय बाय। कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। चले चली चली चली, शाबाश शाबाश। ओके, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि हम गाना शूट कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो है तुम्हारा ड्रीम सीक्वेंस है, इसमें तुम वेट कर रही हो कि कब राजकुमार आएगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा। तो वो इंतजार वाले भाव जो है चेहरे पे आने चाहिए, चेहरे पे, मतलब तुम समझ जाओ जो मैं कह रहा हूँ। ओके ठीक करते। नागरा, साउंड, कैमरा। शॉट था, ब्रिलियंट सर। लेकिन ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। डायरेक्टर कौन है आप सर? कौन डिसाइड करेगा क्या शॉट में था और क्या नहीं था? क्या शॉट था? वेरी गुड। क्या एंट्री दी तुमने, अनएक्सपेक्टेड। मैंने तुझसे कट भी नहीं किया। मतलब सारी अब हीरोइन हीरो का इंतजार कर रही थी तो हीरो को तो आना ही था ना। वही तो, मैं राइटर को कितनी बार बोल चुका हूँ कि हीरो का लिखो, हीरो की एंट्री जरूरी है, पर कोई सुनता ही नहीं। यू आर टू गुड। फाइन ब्लश। अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या आप हमें देंगे? आजमा के देख लो। जी वो है ना, आज शाम को इस मोहल्ले में एक शादी है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम उस शादी में आए, तो क्या? जरूर। पर किसकी शादी है? तुम्हें लगता है ठीक है? हम लोग इन्हें जानते तक नहीं हैं। हमारे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है राज? अगर हमारे जाने से किसी को खुशी मिलती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? कल शाम को ना? नहीं नहीं नहीं, आज शाम को। पर मैं कोशिश करूंगा। आज शाम को मेरा जाह्नवी के साथ एक प्रेस इंटरव्यू है। कोई बात नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। पर ये प्रॉमिस, मैं जरूर कोशिश करूंगा। शुक्रिया। राजवीर कपूर और एक चौल की शादी में? इम्पॉसिबल।